हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का न्यू वर्ल्ड टेक में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि रेलवे की तरफ से टीसी की भर्ती का फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं रेलवे की नई भर्ती की पूरी जानकारी, जो कि रेलवे की टीसी की भर्ती की है। जैसा कि आप देखते हैं, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रेलवे की तरफ से फाइनली जारी कर दिया गया है। आपको बताएंगे इस वैकेंसी की पूरी जानकारी के बारे में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी निकाली जा रही है, बड़ी भर्ती है और इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और कम से कम योग्यता क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कौन कौन सी पोस्ट यहां पर जारी की गई है, एक्स वाई जेड हम आपको सारी जानकारी देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आवेदन करना है, कब से कब तक आवेदन चलेंगे, एप्लीकेशन फीस क्या है, एज लिमिट क्या है, सारी चर्चा हम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आप सभी से शिकायत है, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्तों को रेलवे की इस वैकेंसी की जानकारी हो और वो भी अप्लाई कर सकें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं रोजाना सरकारी नौकरी खबर सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा दें और साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, रेलवे की जो वैकेंसी निकाली जा रही है टीसी की, इसके लिए एज लिमिट जो है 18 से 42 साल है। अगर आपकी उम्र भी 18 से 42 साल के बीच में है तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी भर्ती है, आपको आगे लेके चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की या बैंक की, तो दोस्तों यहां पर बंपर भर्तियों की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ यहां पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप गूगल में सर्च करें www.tipswarrierbuzz.xyz। जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे, आप सीधा हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देखते हैं, हम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। और दोस्तों, यहां पर आपको बता दें, साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से वेरियस कैटेगरीज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर पोस्ट की पूरी जानकारी दे रखी है कौन कौन सी पोस्ट यहां पर जारी की गई है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट लोको पायलट। उसके बाद में यहां पर कम्युनिकेशन कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है और यहां पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट भी है। सीनियर कम्युनिकेशन कम टिकट क्लर्क की पोस्ट भी है और उसके बाद फाइनली जूनियर इंजीनियर जेई की पोस्ट भी यहां पर है। मतलब कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी वैकेंसी यहां पर जारी की गई है। टोटल 617 वैकेंसी जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट यहां पर 18 से 42 साल है। उसके अलावा आयु सीमा में छूट है अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं पास, इसके अलावा 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की पूरी जानकारी यहां पर दे रखी है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, क्या क्या फॉर्म में आपको ध्यान देना है, सारी जानकारी यहां पर है। और आवेदन आपको बता दें 24 मार्च से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट बढ़ा करके 23 मई 2020 हो चुकी है। और आवेदन करने का लिंक यहां पर है नोटिफिकेशन के साथ में। तो यहां पर आप क्लिक करके सीधा नोटिफिकेशन पे जाएं, यहां पर आपको पूरी भर्ती की जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, पोस्ट वाइज सैलरी कितनी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या है और एग्जाम का स्टेज किस प्रकार रहेगा। यहां पर आप देखते हैं, सीबीटी एग्जाम आपका लिया जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम भी होगा। यहां पर सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए मैं आप सभी को प्रेफर करूंगा कि आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े ताकि आपका पैसा और समय बर्बाद ना हो। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।